मध्य प्रदेश के मध्य एवं पूर्वी इलाकों में 48 घंटों में भीषण वर्षा हुई है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के माध्यम से बयान देते हुए कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर निरंतर नजर रखी जा रही है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राहत और बचाव समेत एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।